Good afternoon, dear students. This is your maths period, and we are on activity 6. Today we will do activity 6. Question first. Word problems. Fatima bought 6 silver cups. Understood or not? Fatima bought 6 silver cups. If the cost of 1 silver cup is rupees 1095.75, how much money did she pay? एक सिल्वर कप की कॉस्ट पता है एंड वी विल फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 6 कप्स. समझ गए मेरी बात? 1 सिल्वर कप की कॉस्ट पता है और 6 की फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. सो वी विल राइट आंसर. द कॉस्ट ऑफ 1 सिल्वर कप The cost of 1 silver cup equals to rupees 1095.7. What is the cost of 6 silver cups? The cost of 6 silver cups plus 2 rupees 6 को 0 से लिया 0, 7 6 का 42, कैरी का 4, 6 5 का 30 प्लस 4, 34 का 4, कैरी का 3, 6 9 का 54 प्लस 3, 57, कैरी का 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 5, 6 बन गया. ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 6 सिल्वर कप्स वाज 2 रुपीज 6574.50. ओके, आगे समझते हैं. सिंपल मल्टीप्लाई था. नाउ क्वेश्चन 2 इन योर होमवर्क. नंबर की नोट करते जाएंगे हम. क्वेश्चन थ्री. व्हाट इज द क्वेश्चन थ्री? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इफ 7 नोटबुक्स कॉस्ट इज रुपीज 1093.7. नोटबुक्स की कॉस्ट पता है, 1 की पता करनी है, क्या करेंगे? डिवाइड. ठीक है ना? जब 1 की पता है ज्यादा की पता करनी, मल्टीप्लाई. जब ज्यादा की पता है 1 की पता करनी तो क्या लिखोगे आप? द कॉस्ट ऑफ 7 नोटबुक्स इक्वल्स टू 1093. The cost of 1 notebook equals to rupees 1093.40 divided by. Simple है, कोई problem नहीं है, हम इसको divide कर लेंगे. ठीक है, divide मैं यहाँ कर देती हूँ. यहाँ से देखें कि कैसे डिवाइड करेंगे. 1 डिवाइड नहीं होगा 10, 7 को 10 को 7 से डिवाइड किया 1 टाइम,
Now subtract 9. Carry down. 7 5s are 35. 4 3 nicha hai. 7 6s are 42. 4 को नीचे लाएंगे। अब आप देखो हम डेसिमल वाला डिजिट डिवाइड करने हैं तो यहाँ ऊपर भी डेसिमल आ जाएगा। 7 2 40। अब हमने जीरो को नीचे लिया लेकिन जीरो डिवाइड नहीं हो रहा है, ऊपर भी जीरो। ठीक है, तो क्या पोस्ट आ गया हमारे हैंड्स? द पोस्ट ऑफ वन नोट equals to ₹156.20। सिंपल, हमने डिवाइड किया है, आपको दिख रहा है 10 को 7 से डिवाइड किया वन टाइम, सबट्रैक्ट 9 कैरी डाउन, 7 5 इज 35, 9 में से 5 गया 4, 3 कैरी डाउन, 7 6 इज 42, 1 रिमाइंडर, 4 नीचे कैरी डाउन की 14, 7 2 इज 14, 0 डिवाइड नहीं हुआ इसलिए 0 का। Now question 4 here. I have a question 5. We will do question 5. What is the question 5? Radhishyam spent rupees 5095.75 in buying 11 pairs of shoes. He sold the shoes among 11 of his friends. How much money did each of his friends pay for a pair of shoes? Question को सिर्फ उसने थोड़ा सा twist करके दिया है, बाकी question बहुत simple है, आप सुनिए। Radhishyam spent rupees 5095.75 in buying 11 pairs of shoes. राधेश्याम ने 11 जोड़ी जूते खरीदे इतने रुपए। ही सॉल्ड दिस शूज अमंग 11 ऑफ हिज फ्रेंड्स। उसने ये शूज अपने 11 फ्रेंड्स को बेच दिए। हाउ मच मनी डिड ईच ऑफ हिज फ्रेंड पे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। तो उसका हर एक मित्र उसको कितने पैसे देगा, उसका फ्रेंड हर फ्रेंड से कितने रुपीज देगा, इसका मतलब जो मनी है उसको 11 से डिवाइड कर देनी है ना। तब क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ 11 pairs of shoes equals to rupees 5095.7 है ना। 11 की ये भी कॉस्ट, अब 11 फ्रेंड्स ने ले लिया तो हर फ्रेंड उससे आप कितने रुपीस देगा, डिवाइड ईच मतलब 1। कॉस्ट ऑफ कर सकते हैं आप, अभी हमने डिवाइड किया। फिफ्टी को करेंगे 11 4 44, 66, then 3. रब कर दूं मैं क्वेश्चन 3। वन बाय डिवाइड में मेकिंग डिजिट को क्या रेगा हम करते हैं ना। 33, 2, 7। अब देखिए हमारा डेसिमल वाला डिजिट हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर भी डेसिमल लगाना पड़ेगा। 2 times 22, 5। एक एक नंबर नीचे लेते जाएंगे और सॉल्व करते हैं। 5 times 1 शूज की कॉस्ट क्या होगी हमारी 463.25। Hands
जो हमारा क्वेश्चन में वही लिखना पड़ेगा, हाउ मच मनी डिड ईच ऑफ हिज फ्रेंड पे फॉर देयर फ्रेंड्स रुपी 463.25 ईच ऑफ हिज फ्रेंड ईच ऑफ हिज फ्रेंड पे फॉर अ पेयर ऑफ हैंड्स रुपीज 463.25 ईच ऑफ हिज फ्रेंड पे फॉर पेयर ऑफ शूज। पे का मतलब हमने कहा पैड, कितना दिया हैंड्स रुपीज 463.25 ईच ऑफ हिज फ्रेंड पैड फॉर अ पेयर ऑफ शूज। हैंड्स रुपीज 463.25 ईच ऑफ स्पेंड पे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। हर मित्र ने उसे 463.25 रुपीज दिए। नाउ मेंटल मैथ्स, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। कितने पैसे होंगे इसके अंदर? रुपीज फर्स्ट में 64.50 में कितने पैसे होंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो पैसे कितने आ जाएंगे? दिस इज द आंसर। क्वेश्चन टू, 80 पैसे में रुपीस कितने होंगे? रुपीस 0.80 को डिवाइड बाय 100। अब इसको आपको प्लस करना है तो क्या करोगे आप? 648.20 में से 246.80 को माइनस, ये सम तो आप कर सकते हो। 1000 रुपीज प्लस करने हैं, होल नंबर है, होल नंबर के साथ प्लस करेंगे। बी में 100 रुपीज प्लस करने हैं, सी में 10 रुपीज प्लस करने, आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन थर्ड भी बहुत आसान है, 100 रुपीज माइनस 10 रुपीज माइनस आप 10 रुपीज माइनस। तो ये क्वेश्चन आप अपने होमवर्क में कर लीजिए। क्वेश्चन 2 and 3 ऑफ मेंटल मैथ्स कौन है? क्वेश्चन 2 and 3 मेंटल मैथ्स कॉर्नर से अपनी कॉपी में करेंगे। ये क्वेश्चन टिक द करेक्ट आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। 648.20 में से 246.80 को आप माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद करके देख लीजिए। ये ए का आंसर है, ये बी, और सी में आप क्या करेंगे? माइनस, तो इसका आंसर। ठीक है, और मेंटल मैथ्स कॉर्नर का क्वेश्चन 2 और 3 आप नोट में करिए। 1000, 100 और 10 प्लस करना, 1000, 100, 10 और 10 को माइनस करना, ये आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए आराम से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आज हमारा एक्सरसाइज लेसन कंप्लीट हो चुका है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मनी की हमने सीख ली है। मेंटल मैथ्स कॉर्नर हमने डिस्कस कर लिया है। दीज आर द आंसर ऑफ मेंटल मैथ्स कॉर्नर। इसमें हमारे 5 questions, 3 questions मैंने करवाए हैं, 2 आप करेंगे। आपको टाइम टेबल मिल चुका है एग्जाम का। सिलेबस पेपर पैटर्न वही है जो पहले सर ने डाला था, कोई चेंज नहीं है। ये वाले चैप्टर सभी वाले नहीं आए, लेकिन हमें इनकी प्रैक्टिस करके रखनी है फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्स। ठीक है,